हम बात करेंगे नंबर एक, जिनका नंबर एक है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उनके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। मोर और लेस एक तरीके से अगर आप देखें, हम इनकॉग्निटो चले गए हैं। ओके, नाउ दिस वीडियोस और दिस थिंग्स विल बी लाइक दिस ओनली। ओके, आई पुट समथिंग डायनेमिक कंटेंट ऑन द फेस ऑफ इट, but it will go on like this more over a video and the plus and some voice. Okay, so let's start. अभी शुरू करते हैं नंबर एक वालों के लिए। अब नंबर एक पर आप पहुंचेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नंबर एक पर आप पहुंचेंगे कैसे। तो अपनी जबकि डेट ऑफ बर्थ है उसका डेट ले लीजिए, मंथ ले लीजिए और उसका ईयर ले लीजिए और उनको जब तक जोड़िए जब तक कि आपको एक डिजिट का नंबर प्राप्त ना हो जाए। अगर आपका एक डिजिट का नंबर एक है तो आपके लिए ये भविष्यफल दिसंबर 2019 के लिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ओके, साल का आखिरी महीना है, सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं और जो दिसंबर 7 जो है वो बेसिकली एक तरीके का एक ये पर्सनल महीना है ये आपके लिए और ये साल जो है यहाँ पर ख़त्म होगा। तो साल के एंड में आप एक हिसाब किताब जरूर लगाना चाहेंगे कि भाई क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या हमारी ज़िंदगी में और क्या बेहतर हो सकता था। तो ये महीना अंदर झांकने का है आपके लिए। अब कुछ ऐसे मामले हैं इस साल के जो कि जिनमें अभी भी आप फंसे हुए हैं, अगर आप उनसे निकलना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। ओके, और अगर आप इस साल अगर आपने थोड़ी सी बहुत फ्रस्ट्रेशन है आपके आपके पास में, तो इस साल का जो एंड है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा हिसाब किताब आपको देगा। और पूरा साल आपका कैसा भी गया हो बट ये वाला महीना जो है ये आपके लिए शानदार गुजरेगा इस महीने। ओके, और कुछ चीज़ों को आप काउंटर बैलेंस या कुछ चीज़ों को आप जो है बैलेंस कर पाएंगे इस महीने। इस महीना आपको सोसाइटी में भी एक अच्छा खासा दबदबा मिलेगा। कुछ राज्यों में इलेक्शन हुए, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हर एक आदमी आपका साथ नहीं देता है जब आपकी किस्मत खराब होती है। तो यही यहाँ पर आपके लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर आपने कुछ एक हार्ड वर्क किया है इस साल और अगर लोगों ने अगर आपका साथ नहीं दिया है तो दिसंबर के महीने में आप वो स्कोर सेटल करने की आपकी आपको चांस मिल सकता है। बट एनीवेज आई विल से दैट यू गाइज हैव यू नो ग्रेट टाइम, आप शानदार वक्त बिताएं और मैं आपको ये नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ में मैं आपसे कहता हूं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।